सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर व्यक्ति का अपना एक योग होता है जिसे उसे भोगना पड़ता है, इसे ही विधि का विधान कहते हैं। जब तक मेरी साथ नहीं तेरी, तेरी दवाइयाँ क्या ही असर करेंगी? मैं अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, किसी और का खून नहीं बेटा। हर इंसान अपनी भावनाओं से बंधा होता है। भावनाओं के बहाव में आकर इंसान क्या क्या कर जाएगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। जज्बात का जुनून से बहुत करीब रिश्ता होता है और जुनून का जुर्म से। जज्बात, जुनून और जुर्म एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, आइए देखते हैं आज के समाज का एक और पहलू। चलिए अब वरमाला के लिए वर वधू खड़े हो जाइए। रुक जाओ, मेरी बहन का हक किसी और को दे रहे हो? अगर ये शादी हुई ना, यहीं जिंदा दफना दूंगा तुमको। भैया ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें, छोड़ो इन्हें। दीदी तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता है? इन्हें ये हक मैंने ही दिया है। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? वही कह रही हूँ जो आपने सुना। मेरे पति की दूसरी शादी कराने का फैसला मेरा है। झूठ बोल रही हैं आप। जरूर इन लोगों ने आपको मजबूर किया होगा। किसी ने कोई मजबूर नहीं किया। ये मेरी खुद की ख्वाहिश है, मेरी खुद की खुशी। मेरे पति के लिए दुल्हन भी मैंने ही पसंद की है। जब मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है तो आपको क्यों एतराज हो रहा है? देखिए भैया, ये मेरा खुद का फैसला है, आप इसमें पीछे मत आइए। चले जाइए आप यहाँ से। अभिजीत, मैं खुद ही शादी करना नहीं चाहता हूँ। ये सुमन की मर्जी से ही हो रहा है सब कुछ। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। पंडित जी, फेरे शुरू करिए। बैठो। अपने हाथों से सजाया है मैंने ये कमरा तुम्हारे लिए। कल तक तो ये मेरा कमरा था, लेकिन अब ये तुम्हारा कमरा है। कल तक तो आपके पति भी आपके ही थे, अब वो मेरे भी पति हैं। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई भी जरूरत होगी ना, तो तुम मुझे बताना। तुम यहां मेरी बहन बनकर आई हो। अच्छा तुम बैठो, मैं उन्हें लेकर आती हूं। देखो बेटा, बहू की जिद से तुम्हारी शादी तो हो गई, लेकिन रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। माँ, मैंने ये शादी सिर्फ सुमन की जिद की वजह से की है। अरे अब यहाँ क्यों बैठे हैं? अंदर दुल्हन इंतजार कर रही है आपका, चलिए। अरे उठिए ना। अरे मैं बोल रही हूँ, चलिए चलिए। मेरी बात तो सुनो, मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ मैं बाद में सुनती हूँ, चलो 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 चलो। सुमन,
अरे आप आइए तो। क्या जिद है सुमन? सुमन चलिए चलिए। अब यहाँ चुपचाप मत बैठे रहना, बातें करना नई नवेली दुल्हन के साथ। और तुम ख्याल रखना इनका। ये लो सुबह की गर्मा गर्म चाय पियो। थैंक यू। कैसी हो तुम? ठीक हूं। तुम खुश तो हो ना? पता नहीं वो तुम्हारे साथ कैसे पेश आए होंगे। देखो पूर्वी, अब तुम्हें भी ना उनका दिल जीतने की कोशिश करनी होगी, तभी तो हम सबकी ख्वाहिश पूरी होगी। देखना वो दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन तुम्हारी गोद में एक नन्ना मुन्ना बच्चा खेलेगा। ठीक कहा आपने, शादी दो दिलों का मिलन होता है, पर ये शादी तो एक समझौता है ताकि इस घर को, इस खानदान को एक वारिस मिल सके। लेकिन इसके लिए आपको उनसे खुद भी दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा मतलब है कि तभी तो वो पूरी तरह से मिले हो पाएंगे। सही कहा ना मैंने? ठीक कह रही हो तुम। एक और बात, मुझे ना सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत है, तो नाश्ता तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। एक सेकंड रुकिए। ये आपका सामान, अपने कमरे में लेकर जाएंगी तो अच्छा होगा। रख दो। अरे रुको, पानी ला दो।
जाओ। आराम से। हाँ? अरे तकलीफ तो होगी ना, कितनी बार समझाया है तुम्हें, कितनी हड़बड़ी सी काम करती हो तुम, हैं? आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा अच्छा बैठ, आराम। हाँ बैठ बैठ। अरे पैर ऊपर। अरे रहने दे, ये वाला पैर है ना। हाँ? अभी बाम लगाती हो, एकदम ठीक हो जाएगा। क्या है? ठीक है माँ जी? अरे क्या क्या कर रही हैं आप? ठीक हो जाएगा, थोड़ा लगाने दे माँ जी। आप मेरे पैरों पे हाथ लगाएंगी, ये क्या कर रही है माँ जी? क्या हुआ बेटा, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, करने से तकलीफ हो रही है ना तुझे, ठीक हो जाएगा। हा? एक बात कहूँ बहू, मुकेश की दूसरी शादी कराने का जो तुम्हारा फैसला था ना, वो बिल्कुल गलत था। पर माँ जी मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अरे ये जो दूसरी बहू है ना, ये तो बस सचते सवरते रहती है हमेशा। अरे घर की जिम्मेदारी भी तो उठानी चाहिए कि नहीं उसे? हाँ? अच्छा तो माँ जी से सेवा करवाई जा रही है, सही है? नई बहू का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। अरे नहीं, वो मेरे पैर में थोड़ी मोच आ गई थी तो माँ जी। मैंने आपसे चाय बनाने के लिए कहा था, पर आपके पैरों में तो मोच आ गई, अब मेरे लिए चाय कौन बनाएगा? जाओ जाकर चाय बना के लाओ, मैं लेकर आ। हाँ जा रही हो, बैठो। तुम्हें अगर इतना ही चाय पीने का शौक है ना, तो खुद जाकर बना लो। और याद रखना, अभी भी इस घर की बड़ी बहू है, नौकरानी नहीं है ये। तो मैं भी यहाँ पे नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। वैसे रिश्ते की बात करने के लिए आप नहीं आई थी, बल्कि ये आई थी। और मैंने उसी वक्त कह दिया था कि मैं यहाँ पे नौकरानी बनकर नहीं आना चाहती। अपने घर का काम करने से कौन नौकरानी बन जाता है? मुझे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है, पूछ लीजिए, मैंने इनसे कह दिया था। बहू ने तुम्हें इस घर में लाकर अपना फर्ज पूरा किया है, अब तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना इस घर के प्रति। हाँ? ये अकेली कब तक सब करते रहेगी? ये इस घर के लिए और कुछ तो कर नहीं सकती है, तो कम से कम घर का काम ही कर ले। और वैसे भी इसने ही मुझसे कहा था कि ये घर का सारा काम अच्छे से कर लेती हैं। अगर आपको इनका काम करना बुरा लगता है तो आप खुद कर दीजिए। जुबान संभाल कर बात करो, आज तक मेरी इस बहू ने कभी मेरे साथ इस तरह से मुंह नहीं चलाया है। तो मैं क्या करूं? इन्हें अगर घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है तो ये जहां जाना चाहे वहां चली जाए, फिर मैं देखती हूँ इस घर का पूरा काम कौन करते है? तो तुम ये कहना चाहती हो कि इसे घर छोड़कर जाना चाहिए, यही कहना चाहती हो ना तुम? क्या हुआ माँ? समझा इसे, मुझे ताने देती है ये। अगर इसके रंग ढंग मुझे पहले नजर आते ना, तो कभी मैं इस घर में ले नहीं आती इसे। लेकिन अब तो आ चुकी हूँ, अब समझना आपको होगा। आप हमारे बीच में ना आए तो ही अच्छा है। देख लो, ये घर का कोई भी काम नहीं करना चाहती है। अरे इन्हें काम करने से बहुत तकलीफ है। अब तुम ही देखो तुम्हें क्या करना है। देखे इसके तेवर, अरे इसने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। माँ अब सुमन पूर्वी को किन शर्तों पे शादी के लिए मना के लेके आई है ये दोनों जाने, हम तो इन दोनों के बीच में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अरे ये क्या कर दिया तूने बहू, क्या कर दिया? माँ जी आप दुखी मत होइए, ये सच है कि पूर्वी को मैं उसकी शर्तों पर लेकर आई थी। यहाँ
अब मुझे उसकी सारी शर्तें माननी ही होगी। अब परेशान मत होइए माजी। सुमन को यही लग रहा था कि शादी के बाद पूर्वी सुमन को वो प्यार वो सम्मान देगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। शादी के बाद सुमन का पति मुकेश अब पूरी तरह से पूर्वी की मुट्ठी में था। अब तो वो सुमन को नजरअंदाज भी करने लगा था, क्योंकि अब मुकेश के लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पूर्वी थी, जिसका पूरा फायदा अब पूर्वी उठाने लगी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सुमन ने अपने ही पति की दूसरी शादी क्यों करवाई? क्यों अपने लिए अपने ही घर में एक सौत लाकर उसने बिठा दिया? आखिर ये शादी किन हालातों में, किन शर्तों में हुई थी? आइए देखते हैं। बस हो गया। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। साइंस के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर बीमारी का इलाज है। कोई माँ बनना चाहे तो भी ये हम अच्छे से जानते हैं कि साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, कितनी नहीं। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक्स। और सुनिए, डॉक्टर से बोलिएगा कि हम जल्दी आके मिलते हैं। जी। ये दवाई और ये इंजेक्शन आखिर कब तक? आप माजी को बता क्यों नहीं देते कि यूट्रस में फैट की वजह से मुझे प्रॉब्लम है माँ बनने में? इतनी जल्दी माँ नहीं बन सकती मैं। क्यों बताऊं उन्हें? ताकि वो भी तुम्हारी तरह रोती रहे? सुमन, मैं तुम्हें भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने अपनी कसम देके मजबूर कर दिया मुझे। डॉक्टर ने कहा है ना कि यूं ही दवाई लेते रहो, फैट कम हो जाने। डेढ़ साल से ये दवाई और ये इंजेक्शन ले रही हूँ, पर इनका कोई फायदा नहीं हो रहा। सुनिए ना, माँ जी कह रही थी कि वो किसी पंडित को जानती है, उनको वो मेरी कुंडली दिखाएंगी, तो कल हम उनके पास जाएंगे। तो हम चले जाए ना उनके पास। सुमन, मेरे मना करने से ना तो तुम मानने वाली और ना ही माँ मानने वाली है। जो करना है करो तुम। पंडित जी, बहुत दिन से सोच रही थी कि आपसे भेंट कर लूं, लेकिन योगी नहीं बन पा रहा था। देखिए, आज महादेव के दर्शन भी हो गए और आपसे भेंट भी हो गई। पंडित जी, ये है हमारी बहू सुमन, मैं इसके बारे में आपसे बात करने आई हूँ। ये इन्हीं की कुंडली है ना? जी हाँ पंडित जी। पंडित जी, बाबूजी ने आपको बुलाया है। मैं वहाँ जाकर करूँगा भी क्या? आप बाबूजी से बात कर लीजिए, उनके दिल को तसल्ली मिलेगी। ठीक है, तुम महादेव की पूजा कर लो, मैं बाद में आता हूँ। जी पंडित जी। मेरी बहू है ना, पिछले 1.5 साल से इसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसी विषय में मैं आपसे बात करने आई हूँ पंडित जी, आप कुछ उपाय बताइए। देखिए, ये कुंभ लग्न की कुंडली है। आमतौर पर इस कुंडली में 5वें स्थान पर संतान प्राप्ति का योग होता है, लेकिन बहुत बड़ी अड़चन है। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पंडित जी, वही जो कुंडली में लिखा है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक योग होता है, जिसे उसे भोगना पड़ता है, इसे ही विधि का विधान कहते हैं। लेकिन पंडित जी, कोई तो उपाय होगा ना? उपाय तो है, परंतु वो कितना कारगर साबित होगा ये मैं कह नहीं सकता। देखिए, मैं आपको किसी भी तरह की किसी भी दुविधा में नहीं डालना चाहता, आगे ईश्वर की मर्जी। ये आप इनकी कुंडली रखिए, मैं चलता हूँ, मुझे इनके घर जाना है। उपाय मैं आपको एक दो दिन में बताता हूँ। सुमन, क्या है? मुकेश, जब तक मेरी साथ नहीं तेरी तेरी दवाइयाँ क्या ही असर करेंगी? देखो सुमन, बैठो तुम। सुमन, तुम अपने दिमाग पे बोझ मत लो। हम सरोगेसी से भी तो माँ बाप बन सकते हैं ना? देखो माँ, इस बारे में सुमन से बिल्कुल बात मत कीजिएगा,
उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन बेटा 14 लाख, 14 लाख कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे माँ, कहीं से भी आएंगे, इस घर को गिरवी रख दूंगा मैं। माँ लेकिन डॉक्टर ने कहा है सरोगेसी के लिए कम से कम 14 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे। बेटा हमारे पास कोई और जमीन जायदाद भी तो नहीं है जिसे बेच कर हम पैसों का इंतजाम कर सके। तो माँ मैं क्या करूँ, आप भी हर समय बच्चा बच्चा करती रहती है, सुमन को भी दिन रात बस बच्चे का ही ख्याल रहता है। माँ एक दूसरा रास्ता है, मैं अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि बच्चा तुम्हारा और सुमन का ही हो ताकि हमारा खानदान आगे बढ़े, किसी और का खून नहीं बेटा। हाँ फिर कहाँ से लाऊं बच्चा, कहाँ से आएगा बच्चा, दूसरी शादी कर लूँ क्या, फिर खुश रहेंगी आप? वो भी तो नहीं कर सकता हूँ ना मैं, सुमन का हक किसी और को नहीं दे सकता हूँ माँ। सर्विसी के लिए ये घर भी बेचना पड़ेगा ना, तू भी बेच दूंगा मैं। सुमन से कुछ ना कहना। अच्छा चलो आता हूँ। किसी और का खून नहीं बेटा। हाँ फिर कहाँ से लाऊं बच्चा, कहाँ से आएगा बच्चा, दूसरी शादी कर लूं क्या? आप बाबूजी से बात कर लीजिए, उनके दिल को तसल्ली मिलेगी। तुम महादेव की पूजा कर लो, मैं बाद में आता हूँ। जी पंडित जी। सबके अपने अपने दुख हैं। पिता को लकवा मार गया है, जवान बेटी घर पे बैठी, दहेज दे नहीं सकते, वो कह रहे हैं किसी भी तरह से इसका कहीं भी ब्याह करवा दो। अब मैं कहां से ढूंढ के लाऊं इनके लिए योग्य वर, इनके लिए योग्य वर, कैसे समझाऊं उस बीमार आदमी को? आपने मुझे बुलाया था? हाँ। किस लिए बुलाया आपने मुझे? क्या तुम ऐसे इंसान की पत्नी बनोगी जो पहले से शादीशुदा है? क्या बकवास कर रही हैं आप? उसकी पत्नी का क्या होगा? और कहाँ है वो? उसकी पत्नी मैं हूँ। मैं ही अपने पति के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। ओह, शायद आपको मेरी मजबूरियों का पता है, पर आप ऐसी बात नहीं करती। शायद आपको अपने घर के लिए नौकरानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा सारा काम मैं ही करूंगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने पति की शादी क्यों करवाना चाहती हैं? दरअसल मैं माँ नहीं बन सकती, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का वंश आगे बढ़े, इसीलिए मैं अपने पति की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। देखो तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे घर की स्थिति के बारे में मैं जानती हूँ, ये सब कर तुम अपने पिता का बोझ हल्का कर पाओगी। मैं अपने पिता का बोझ खत्म करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाबूजी को मना लूंगी। सच? या तुम शादी से पहले अपने सारे मेडिकल चेकअप करवा लोगी? ठीक है, कोई एतराज नहीं है मुझे, पर मेरा एक सवाल है, क्या आपके पति इसके लिए तैयार हैं? सुमन पागल हो गया, तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? देखो तुम्हारी ये बकवास बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं, हरगिज नहीं। 3 दिन से हर रोज ये करने जा रही थी तुम वहां पर। अरे क्या हो रहा है? हाँ क्यों डांट रहा है, क्यों चिल्ला रहा है इतनी? हाँ समझाओ अपनी बहू को, ये मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती है, लड़की देके आ गई है, रिश्ते की बात भी कर ली इसने। अरे बेटा क्या हो गया तुमको, क्या कह रही हो बहू? तो और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना माँ जी? हाँ भी बताइए, पूछिए इनसे डॉक्टर ने क्या कहा। मेरे यूट्रस में फैट जमा हो जाने की वजह से मुझे माँ बनने में तकलीफ है, और माँ जी पिछले 1.5 साल से मैं इंजेक्शन और दवाइयाँ लेती जा रही हूँ, हर इनका कोई असर नहीं हो रहा। हाँ भी बताइए माँ जी, पंडित जी ने भी कहा था ना कि मुझे माँ बनने में तकलीफ है।
खानदान को वीरान कैसे हो जाने तू? बहू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है माजी, पर मैं बस वही जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मैं तुम्हारी बकवास के सामने झुकने वाला हरगिज नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपकी कसम खाती हूँ, मैं भी पानी और खाना सब कुछ छोड़ दूंगी। जब तक अगर आपने हाँ नहीं किया, अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बहू मेरी बात सुने, ये क्या पागलपन है? भाई पागल हो गई है। फैसले दो तरीके से लिए जाते हैं। एक फैसला वो जो दिल से लिया जाता है, लेकिन कुछ फैसले दिमाग से भी लिए जाते हैं। सुमन का ये जो फैसला था उसने अपने दिल से लिया था, और इस फैसले में ना ही उसने किसी को शामिल किया और ना ही किसी की सलाह ली। यहाँ तक कि अपने खुद के भाई अभिजीत को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि सुमन को अपने पति मुकेश के प्यार और वफादारी पर पूरा भरोसा था। लेकिन क्या उसका ये भरोसा कायम रह पाएगा? सुनिए, कभी तुम उससे भी बात कर लिया करो। अब तो ऐसा लगता है जैसे आपने आंखें ही फेर ली। सुमन, मैं तुमसे बात करके पूर्वी को नाराज नहीं कर सकता हूँ। हमारी शादी तुमने करवाई है ना, तब समझदारी भी तुम्हें ही दिखानी होगी। क्यों, पूर्वी ने मना किया है मुझसे बात करने के लिए? कसम दी है आपको? ऐसे ही समझ लो। उसने कसम दी और आपने मान ली? मेरी मजबूरी है सुमन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम होती कौन हो मुझे इनसे बात नहीं करने पर रोकने वाली? इनकी पत्नी। तुम इनकी पत्नी हो तो मैं कौन हूँ? आप कभी पत्नी थी, पत्नी का अधिकार आपने मुझे दे दिया है। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि आप इस घर में है क्यों? बहू होने की जिम्मेदारी तो आप निभा नहीं सकती, तो यहाँ पे पड़ी क्यों है? इस घर पे बोझ क्यों बन रही हैं? हाँ, बोझ बन रही हैं आप, और मैं ये बोझ नहीं उठा सकती। सुमन! मुकेश! देखा, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। तुम्हें फैसला करना होगा, इसे तलाक दो और इस घर से दफा करो, ताकि ये कभी यहां पे आने की सोच भी ना सके। तुम्हें मैं इस घर में इसलिए नहीं लेकर आई थी कि तुम मुझे इस घर से निकालो। तुम हो ही इसी लायक। तू चुप क्यों खड़ा है? उसे समझा, ये इस घर से नहीं जाएगी। हाँ, मैं क्या समझाऊं, किसे समझाऊं? देखिए, अच्छा यही होगा कि सुमन हमेशा के लिए अपने भाई के घर चली जाए। जो भी मुआवजा होगा मैं दे दूंगा उसे। मुआवजा? बिना तलाक मुआवजा कैसा? इसे तलाक दो ताकि ये दोबारा यहाँ आ ना सके। पूर्वी जब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो उसके दिल में क्या चल रहा था इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन यकीन मानिएगा, जुर्म की एक भयानक जमीन तैयार हो रही थी। आइए देखते हैं। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे मेरी आंखों के सामने से दूर करो। तुम ये डिसाइड करो, उसे इस घर से निकालना है या फिर इस दुनिया से। माँ, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, शाम तक लौटेंगे। प्लीज सुमन से बोल के मेरा कमरा साफ करवा देना। ये शायद गिफ्ट भूल गए।
क्या बात है बहू, किसकी एल्बम है ये? माँ जी, ये पूर्वी की बहन की शादी का एल्बम है। लेकिन 2 साल पहले हो गई थी ना बेटी। माँ जी, लेकिन इस तस्वीरों में मुकेश भी पूर्वी के साथ है, देखिए। क्या? अरे, ये 2 साल पहले की शादी में ये पूर्वी और मुकेश क्या कर रहे हैं? क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं तो मैं सोच रही हूँ माँ जी कि मुकेश और पूर्वी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, तो इन्होंने कभी बताया क्यों नहीं? और तुमने जब उन दोनों को पहली बार मिलाया, तभी तभी भी वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान बनकर ही मिले थे। ये क्या देख रहे हैं आप लोग? ये 2 साल पुराना एल्बम है, इसमें पूर्वी और तुम एक साथ। क्या तुम पूर्वी को पहले से जानते हो? अरे माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। 2 साल पहले एक दोस्त मुझे शादी पे ले गया था। शादी पे तो हर कोई किसी न किसी के साथ फोटो खिंचवाता ही है ना। वही है, आप भी ना कुछ भी सोचते हैं। ये गिफ्ट भूल गया था मैं, चलता हूँ। आखिर सच क्या था? क्या मुकेश और पूर्वी पहले से एक दूसरे को जानते थे? क्या ये कोई जाल था? मासूम सुमन को फंसाने के लिए शादी करने के बाद जैसे ही पूर्वी इस घर के अंदर आई, वो सब पर अपना अधिकार जताने लगी। सुमन को इस घर से बाहर निकालने की पूरी तैयारियां हो गई थी। जिस तरह से पूर्वी के हाव भाव बदले, इसे तो यकीन हो ही जाता है कि मुकेश और पूर्वी पहले से एक दूसरे को जानते थे। सिर्फ जानते थे या फिर बात कुछ और थी? सीधी और सरल दिखने वाली इस कहानी की सच्चाई क्या थी? आइए देखते हैं। तुमने तो टाइम क्यों लगा दिया? पूर्वी, तुमने वो एल्बम बाहर क्यों रखा? एल्बम? अच्छा, तुम परेशान मत हो, हमारी शादी तो हो चुकी है ना। अब वो तुमसे खुद तलाक मांगेगी और इस घर से जाएगी। पूर्वी, तुम्हारे इस बर्ताव के कारण माँ और सुमन दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम सुमन को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। इतना आसान नहीं होगा, तस्वीर देख ली उन लोगों ने, हमारी मुश्किलें और बढ़ गई। पता नहीं बोलो क्या सोच रहे होंगे। चीजों को अंदर रखा करो। बैठो। दाम्पत्य जीवन में तो सुख ही सुख लिखा है आपके। वाह, ये आप लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हैं? तुमसे सच उगलवाने के लिए आए हैं। हमने अपनी बहन की कुंडली दूसरे जोशी को दिखा दी। अब पुलिस को बुलाऊं या अपने आदमियों को बुलाऊं, तब सच बोलोगे? कौन सा सच? वही सच जो तुमने मेरी कुंडली देखकर झूठ बोला था कि मेरी कुंडली में दोष है। इसीलिए बोला था ना तुमने वो झूठ कि तुम्हें उन दोनों की शादी करवानी थी। बोलोगे सच या बताऊं मैं? देखो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल मुकेश ने मुझे कहा था कि तुम्हारी बहन की कुंडली में कोई दोष दिखा दो जो कि उसकी कुंडली में है ही नहीं। मुकेश ने मुझे इस काम के लिए 5,000 रुपये दिए थे। दरअसल वो और पूर्वी पिछले 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते, वो चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए। मैंने बस उनकी मदद की। तुम्हारे जैसे लालची लोग अपनी विद्या को कलंकित कर लेते हैं। कहीं वो डॉक्टर की रिपोर्ट भी तो फर्जी नहीं है? मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए ना। आप जो मुझे दवा और इंजेक्शन दे रहे थे, उनका उनका असर नहीं हो रहा है मुझे। मैम, ऐसे कैसे आप कह सकती हैं कि असर नहीं हो रहा है? पिछले 1.5 साल से हर 3 महीने पे आप वो इंजेक्शन ले रही हैं ताकि आप माँ ना बन सकें। और ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि कभी प्रेगनेंसी ठहर गई हो, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि इंजेक्शन का असर नहीं हो रहा है? मैडम, लेकिन लेकिन वो तो मेरे यूट्रस के फैट को खत्म करने के लिए दिए जाते थे ना, जिससे मैं माँ बन सकूं। मैडम क्या बात कर रही हैं आप, वो इंजेक्शन तो वो औरतें लेती हैं जो कभी माँ नहीं बनना चाहती।
इससे प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है। और आपके पति ने बताया था कि आप माँ नहीं बनना चाहती, इसलिए तो वो आपको ये इंजेक्शन दिलाते थे। आप जा सकती जी। मुझे चाहता है अभी जाके गोली मार दूं उसे। नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे। जो भी करूंगी ना वो मैं करूंगी। एक बात याद रखना सुमन, उस घर की पहली बहू तुम हो। बहुत अच्छी लग रही थी, तुमको ले लेनी चाहिए थी। मैं सोच रही हूँ ले ही लेती। माँ सुमन कहाँ? सो रहा ना, हमारे लिए चाय बना देगी। वो अभी तक आई नहीं है। कहाँ गई है? कहीं हमेशा के लिए अपने भाई के घर तो नहीं चली गई है? इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चाल, सिर्फ इससे शादी करने के लिए? मन क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बहू क्या बोल रही हूँ, कैसा धोखा कैसी चाल? पूछिए माजी इससे, इसने मुझे अब तक जो इंजेक्शन और दवाइयाँ दी है ना, वो इसलिए नहीं दी कि मैं माँ बन सकूं, बल्कि इसलिए देता था कि मैं कभी माँ ना बन सकूं, बांझ रह जाऊं। अगर मैं माँ बन जाती तो ये मुझसे छुटकारा नहीं पा सकता था। अरे बाजी, इसने तो उस पंडित को भी खरीद लिया। उसने कहा था कि मेरी कुंडली में दोष है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और वो सब इसलिए किया था कि मैं इसकी शादी पूर्वी से करवा दूं। इन दोनों का 2 साल से संबंध था। मैं ही बेवकूफ थी जो इनके इनके इस जाल में फंस गई और अपने पति की शादी करवा कर अपने ही घर में सौतन लेकर आ गई। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो तलाक लो और दफा हो जाओ यहाँ से। फिर अपने भाई के घर जाके जितने आंसू बहाने ना उतने आंसू बहाने। खबरदार, इसे कुछ भी कहा तो ये घर छोड़कर हरगिज नहीं जाएगी, समझी तुम? जाना तो अब इससे होगा माँ जी। अगर मैं इसे अपने घर ला सकती हूँ ना, तो इसी घर से इसे धक्का देकर निकाल सकती हूँ। तुम चुप रहो। बहुत हो गया, मैंने वकील से बात कर ली है। तो शादी पर ये इतना इतरा रही है ना, उस शादी का कोई भी महत्व नहीं है। कानून दूसरी शादी नहीं मानता। तुम्हारी पहली पत्नी मैं थी, मैं हूँ, और ये अधिकार मेरे पास ही है। निकल यहाँ से, निकल, निकल! सुमन! अरे! पूर्वी ना इस घर से कहीं जाएगी और ना ही मेरी जिंदगी से। मुझे मत पूछ, मैं इस मासूम पे जुल्म नहीं होने दूंगी, समझा? तो एक काम कर, तू अपने भाई को फोन कर बेटा। तू अच्छा भाई को फोन करोगी? इस घर से अगर कोई जाएगा ना तो वो है तू। अरे क्या कर रही हो तुम? ए ए मारे मत, अरे क्या कर रहा है तू? से मेरे बाबू को हमारे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो छोड़, चलो और माजी को, चलो मेरे बाबू, चलो, अरे मुझे चलो, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे, चल माजी, छोड़। अरे मुकेश दरवाजा खोलना बेटा, क्या कर रहा है? छोड़ माजी को, गेट खोल, गेट खोल, मुझे तो मैं और इधर ना छोड़, अरे मुझे छोड़, मुझे अरे छोड़ो, मुझे छोड़, आज इसका खेल खत्म करते हैं, छोड़ो मुझे। करेंगे कैसे बस? देख बहू को कुछ नहीं करना बेटा, खोल दरवाजा। अरे क्या, अरे छोड़ो मुझे, मुकेश दरवाजा खोलना बेटा। अब क्या करना है? करना क्या है, इसे इसके कमरे के पंखे से लटका देते हैं। कोई तुमसे पूछेगा ना तो तुम कह देना कि तुम्हारी दूसरी शादी की वजह से ये बहुत दुख में थी और इसी दुख में इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है चलो। हाँ।
चल। अब कौन है? जल्दी करो, मैं देखता हूँ। जल्दी करो, बंद करो। सर, कावेरी कौन है? मेरी माँ है सर। सर क्या बात है सर? उन्हें बुलाइए, उनका फोन आया था हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब। वैसे इस घर की बहू कौन है? सर मैं हूँ। अच्छा, आपका नाम ही सुमन है? नहीं, पूर्वी है। तो सुमन कौन है, कहाँ है? मुकेश, दरवाजा खोलना बेटा। पिछड़िया सर, सर दरवाजा खोलो। मेरे सुमन, मेरे सुमन कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? सुमन बताओ। अरे बताओ, क्या किया तुमने उसके साथ? कहाँ है सुमन? सुमन बेटा, बेटा आगे खोलो, आगे खोलो बेटा। सर ये मर चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों ने मिलकर इसे मार दिया है। इन दोनों ने मारा है। रुको, बोल बोलता क्या लगाऊं? पता क्यों मारा मेरे सुमन को? पता क्या? इन दोनों ने मिलकर तुम्हारी बहन को मार दिया। सुमन, तूने अपना ही खानदान तबाह कर दिया बेटा। तूने कभी उसे औलाद पैदा करने नहीं दी। अब ईश्वर तुझे कभी औलाद पैदा करने नहीं देंगे। तुम दोनों सड़ोगे जेल में जीवन भर के लिए। अरे तुम्हारा ये नाजायज रिश्ता हमारा पूरा खानदान तबाह कर दिया है। लेकिन जिस खानदान में तुम जैसा बेटा हो ना, उसे तो खत्म होना ही है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। बता दोनों को, चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ले जाइए। पुलिस टीम और एम्बुलेंस भेजो फास्ट। किसी के विश्वास के साथ खेलकर, किसी के जज्बातों के साथ खेलकर कोई भी इंसान एक खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकता। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है, लेकिन सुमन अपनी आंखें मूंद कर अपने पति मुकेश पर विश्वास कर रही थी। लेकिन क्या मुकेश इस विश्वास के लायक था? बिल्कुल नहीं। अपने पति की दूसरी शादी करवा के सुमन ने जो त्याग किया, उस त्याग के बदले उसे जो सिला मिला, उसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। एक शातिर था तो दूसरी मासूम। किसी को भी इतनी मासूम नहीं होनी चाहिए या फिर इतना भी शातिर नहीं होना चाहिए कि अपने नाजायज रिश्तों की वजह से अपने ही परिवार की बर्बादी की वजह वो बन जाए। देर सवेर ये नाजायज रिश्ते इंसान को जुर्म की ओर ले जाता है और ये जुर्म इंसान को आखिरकार जेल में। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।